नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। शाम हो चली है, वक्त हो चुका है इस वक्त के बुलेटिन का। आपके शहर में क्या, कब और कैसे हुआ, चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आज के तमाम सुर्खियों की ओर। तेजस्वी यादव के मामले में फैसला आते ही सुशील मोदी पर भड़की रोहिणी आचार्य, ताबड़तोड़ ट्वीट कर दिए तीखे बयान। 20 अगस्त की पीटी परीक्षा का बीपीएससी ने जारी किया रिजल्ट, 1696 अभ्यर्थी हुए सफल। सांसद चिराग पासवान को बिहार के सबसे बड़े नेता से परेशानी, कहा नीतीश के बिना गठबंधन भी कर लूंगा। साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर 40 से ज्यादा उम्र के लोग, बदनामी के डर से सिर्फ 3% मामलों में ही FIR। त्योहारी सीजन में ज्यादा होती है ई कॉमर्स में ठगी, 5 साल में 200 गुना बढ़ गई है शिकायतें। केदारनाथ में हुआ बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी को राहत, जमानत बरकरार, कोर्ट ने दे दी बड़ी नसीहत। सुशील मोदी पर ललन सिंह का पलटवार, अति पिछड़ों के लिए निश्चिंत रहने को कहा। रोजर बिन्नी बने 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष, सौरभ गांगुली को करेंगे रिप्लेस। कुशवाहा का मोदी पर बड़ा हमला, कहा नहीं करते दूसरों के मामले में हस्तक्षेप, निभा रहे गठबंधन धर्म। छात्र संघ चुनाव के ऐलान से पहले पीयू में बमबाजी, 3 लोग घायल। मांझी के बाद चिराग भी गुजरात और हिमाचल के चुनावी मैदान में, बैठक के बाद होगा सीटों पर फैसला। नीतीश सरकार सरकारी कर्मियों की दिवाली करेगी रोशन, पहले ही मिल जाएगा सबका वेतन। पटना के पार्कों में होगी छठ पूजा, नहीं घट रहा गंगा का जलस्तर। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई शहरों की हवा बहुत खराब, बिहार में कई जगहों पर AQI 200 के पार। बिहार के 81 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, खातों में आए 1632 करोड़ रुपए। SBI में CBO की बम्पर भर्ती, ग्रेजुएट के लिए निकली 1422 वैकेंसी, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आतंक के खिलाफ विश्व को होना होगा एकजुट। SS राज मौली की फिल्म में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, महेश बाबू संग बन सकती है जोड़ी। सरकारी बैंकिंग शेयरों ने भरा बाजार की तेजी में दम, सेंसेक्स 549 अंक चढ़कर 58,960 पर बंद हुआ। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल डीएनए न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।